नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के जो लीडिंग स्टॉक्स है उसके बारे में। देखिए, हमेशा सेक्टर लीडर के साथ रखिए। ये मार्केट अभी ऑल टाइम हाई है, यहाँ से और ज्यादा मार्केट ऊपर भी जा सकता है, लेकिन हो सकता है मार्केट में गिरावट भी हो। ऐसे में हम सेक्टर लीडर के साथ रहते हैं, अगर उसमें गिरावट होती भी है तो वो बहुत ही जल्द रिकवर कर लेगा। तो सेक्टर लीडर के साथ रहने में यही फायदा है, अगर हम गिरावट में फंस जाते हैं, अगर ट्रैप हो जाते हैं तो वो हमें रिकवर कर देगा। लेकिन आप जैसे तैसे स्टॉक के साथ रहेंगे तो फिर आप फंसेंगे ऑल टाइम हाई पे। तो अगर यहां से मार्केट में गिरावट होती है तो फिर वो स्टॉक रिकवर करने में आपका काफी लंबा समय लेगा। तो ऐसे में आपको सेक्टर लीडर के साथ अभी रहना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे एक महीने के लिए, दो महीने के लिए, तो आप किसी भी स्टॉक के साथ जो फंडामेंटल स्ट्रांग हो उसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि जैसे मार्केट में गिरावट हो तो उसके साथ निकल जाइएगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसके लिए आपको सेक्टर लीडर के साथ ही रहना चाहिए। सेक्टर लीडर में होगा कि ये हमेशा आपको अच्छे रिटर्न क्रिएट करके देगा, क्योंकि ये फंडामेंटली काफी स्ट्रांग होती है, अपने बिजनेस में वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनियां होती है। ऐसे स्टॉक के ही साथ आपको इस मार्केट के सिनेरियो में जहां मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है वहां रहना चाहिए। तो ये स्टॉक है हमारा लार्सन एंड ट्रूबो, और करेंट प्राइस है देखिए 1503 रुपीज, और ये आज तो डाउन है 1%, लेकिन हर टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो ये स्टॉक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। देखिए 1 वीक में देखते हैं तो 0.03%, 1 मंथ में देखिए 9% का रिटर्न दिया, 9% से भी मैक्सिमम का रिटर्न, और देखिए 1 ईयर में तो 61%, अब देखिए 5 ईयर्स में 53% पॉजिटिव रिटर्न, मैक्सिमम ईयर में तो 1500% का रिटर्न। अभी इस स्टॉक में ब्रेकआउट होना बाकी है और इस सेक्टर में मोमेंटम आना बाकी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के जो स्टॉक है अभी उसमें कोई खास मोमेंटम नहीं हुआ। ये स्टॉक सिर्फ अपना जो गिरावट है उसको रिकवर किया है, जो पैंडमिक में गिरावट था तो पैंडमिक से जो पहले प्राइस था लगभग उसी के पास है, मतलब ये अपना देख सकते हैं प्राइस रिकवर हो चुका है। अब यहां से अगर ये ब्रेकआउट देता है ये स्टॉक, जो कि आपको हम दिखाएंगे जो कैंडलस्टिक चार्ट है वहां पर, ये ब्रेकआउट के जस्ट लेवल पे अगर यहां से ब्रेकआउट होता है तो एक रिटर्न आपको देखने मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। देखिए फंडामेंटल में कंपनी का जो मार्केट कैप है 2,11,000 करोड़ का है, 2,11,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है, मतलब एक वेल एस्टेब्लिश ब्लू चिप कंपनी है। और कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है 1.2% डिविडेंड यील्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, जो कि इस सेक्टर में काफ़ी डेट वाली कंपनियां होती है, काफ़ी ज़्यादा डेट होता है कंपनी के पास। आपको कई सारे अच्छे अच्छे स्टॉक हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, इस सेक्टर के जो 5 टॉप स्टॉक्स हैं, 10 स्टॉक्स हैं उसके बारे में। तो देखिए, अगर काफ़ी ज़्यादा डेट होती है इस सेक्टर की कंपनियों को, लेकिन इस कंपनी के पास उतना डेट नहीं है, 1.77 ये रेशियो है डेट टू इक्विटी का, जबकि इसकी तुलना में और कई सारे स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट है, और इस कंपनी के ऊपर भी अच्छा खासा डेट है, 1,34,000 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है मात्र 11,000 करोड़ का है, जो एनुअल प्रॉफिट है उसके तुलना में देखते हैं डेट काफ़ी ज़्यादा है, जो एनुअल प्रॉफिट है उसके तुलना में यहाँ पर देखते हैं डेट काफ़ी ज़्यादा है। और कंपनी के पास जो रिजर्व है 75,000 करोड़ का है, तो रिजर्व भी अच्छा खासा है, कंपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है 39,000 करोड़ का। अब इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिएगा तो 0 है, मतलब इसमें कोई प्रमोटर्स का होल्डिंग है ही नहीं, क्योंकि ये खुद एक होल्डिंग कंपनी है, ये लार्सन एंड ट्रूबो ग्रुप की ये होल्डिंग कंपनी है। तो इस कंपनी का खुद जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको लार्सन ट्रूबो इन्फोटेक में मिल जाएगा, माइंड ट्री में मिल जाएगा, मतलब कई सारी कंपनियां हैं जो इस कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, तो देखिए सेल्स कंपनी का जो सेल्स है लगातार इंक्रीज हुआ है, और अभी देखिए 2010 में मात्र सेल्स 43,000 करोड़ का, अभी सेल्स हो चुका 1,35,000 करोड़ का, काफी ज्यादा सेल्स इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2010 में था 5,452 करोड़ का प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट इंक्रीज होकर के हो चुका है 11,583 करोड़ का, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है। अब वहीं बैलेंस शीट की बात करें, देखिए बैलेंस शीट भी काफ़ी सॉलिड है, कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो यहाँ पर शेयर कैपिटल काफ़ी डिक्रीज हुआ है 281 करोड़, कंपनी का जो रिजर्व है काफ़ी इंक्रीज हुआ है 75,000 करोड़, लेकिन कंपनी ऊपर डेट भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर पिछले साल की तुलना में डेट कम किया गया है। बैलेंस शीट भी अच्छा खासा है, कंपनी इन्वेस्टमेंट को भी काफ़ी अच्छा कर रखा है। और वहीं यहाँ पर जो FIIs का अच्छा खासा स्टेक है 22% का, DIIs का स्टेक है 33% का, तो FIIs DIIs का देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छा स्टेक है, और ऐसे में हमारे जो पब्लिक शेयर होल्डर हैं उनके काफ़ी कम स्टेक होते हैं, इसमें देख सकते हैं इसमें भी
पब्लिक में भी जाइएगा तो काफ़ी सारी जो स्टेक है वो अलग अलग जो ट्रस्ट है, अलग अलग जो म्यूचुअल फंड है उस कंपनियों का है, तो काफ़ी कम स्टेक है इसमें भी पब्लिक का। तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा। अब बात करते हैं इस स्टॉक के जो टेक्निकल चार्ट है उस पर, देख सकते हैं टेक्निकल चार्ट पर ये लाइन है, यहाँ से ये अपने ऑल टाइम हाई को कई बार टच किया, फर्स्ट टाइम यहाँ पे किया, सेकंड टाइम यहाँ पे किया, दो बार टच करके यहाँ से रिजेक्शन हो चुका है। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है जो कि प्राइस है 1600, तो इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो यहाँ से एक जबरदस्त ब्रेकआउट देखने मिलेगा और जो हमारा वहाँ पर टारगेट बनेगा वो लगभग 2400 का बनेगा, क्योंकि ये गैप देखिए ये 1600 का है और नीचे जो इसका लेवल था वो 800 का था, लगभग 800 ऊपर आप टारगेट ले सकते हैं, तो 2400 यहाँ पर हमारा टारगेट होना चाहिए। 2400 तब मिलेगा जब ये यहाँ पर सस्टेन करता है इसके ऊपर 1600 के ऊपर, और फिर यहाँ 2000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा, 2000 के लेवल पे ये रेसिस्टेंस ले सकता है, अगर 2000 को निकालने में सक्षम हो जाता है तो फिर हमको 2400 मिलेगा, लेकिन ये तब होगा जब इसको पहले इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, उसके बाद हमें लेवल आगे जो है 2400 का देखने मिलेगा। लॉन्ग टर्म में निश्चित रूप से वो लेवल आएंगे, लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक हर गिरावट में बाय है, जब जब आपको डिप पे मिले आप एवरी डिप पे बाय कीजिए। इस स्टॉक में मेरा भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल मैं सच्ची बोलता हूँ, इस स्टॉक में हम भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे गिरावट मिलता है कभी भी तो वहाँ पर आपको बाय करना है, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। ये गिरावट कब होगा इस स्टॉक में, जब मार्केट में गिरावट होगा, मार्केट के साथ ही देख सकते हैं ये स्टॉक गिरता है, मार्केट के साथ ही ऊपर जाता है, तो ये बिल्कुल मार्केट के साथ चलने वाला स्टॉक है। अभी मार्केट बुलिश है तो ये स्टॉक भी बुलिश है, जैसे मार्केट में गिरावट होगा उसके साथ ही ये स्टॉक में भी गिरावट होगा, तो जब मार्केट में गिरावट होता है निफ्टी 50 में, उस गिरावट के साथ आप इस स्टॉक को जरूर बाय करें। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, जब आप पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा।